तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सामने फ्रेंड्स बजाज की पल्सर 220F का दो मॉडल्स प्रेजेंट है। ये है फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल ही लेटेस्ट 2023 वाला मॉडल जो कि कंपनी ने अभी फ्रेंड्स लॉन्च किया है, और इस साइड में प्रेजेंट है यहाँ पे 220F का 2022 वाला मॉडल। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे हम दोनों का जो डिफरेंस है वो दिखाने वाले हैं कि कंपनी ने क्या कुछ यहाँ पे आपको चेंजेस प्रोवाइड किया है 2022 मॉडल के कंपेरिजन में। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपकी कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज और बाइक अपडेट जो है वो मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको हम चेंजेस जो है वो एक एक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो चेंजेस है वो फ्रंट से ही विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप इसके फ्रंट के फ्रेंड्स वाइजर को देखते हैं तो यहाँ पे आपको ग्राफिक्स वर्क देखने को मिलेगा न्यू वाले मॉडल में, जो कि यहाँ पे कंपनी ने प्रोवाइड किया है। और इसमें फ्रेंड्स आपको ग्राफिक्स वर्क देखने को नहीं मिलता, ये काफी सिंपल सी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ग्राफिक्स आपको ऐड नहीं किया गया है। तो अभी वाला जो मॉडल है उसमें कंपनी ने यहाँ पे न्यू ग्राफिक्स आपको प्रोवाइड किया है। इसमें फ्रेंड्स आपको फ्रंट के फेंडर पे भी ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलता था, और इसमें आपको यहाँ पे फ्रंट के फेंडर पे ग्राफिक्स देखने को मिलता है। बाकी अगर आप टायर प्रोफाइल को देखते हैं तो उसमें 90x90 का आपको टायर मिलता है, 17 इंच के अलॉय व्हील पर माउंट है। इसमें भी सेम आपको मिलता है 90x90 का टायर, 17 इंच के अलॉय व्हील पर माउंट है। और रिम टेप्स आपको दोनों ही मॉडल्स में कंपनी प्रोवाइड कर रही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी आपको मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। बाकी अगर आप साइड के ग्राफिक्स को देखते हैं तो यहाँ पे आपको न्यू ग्राफिक्स कंपनी ने ऐड किया है। ये वाला ग्राफिक्स अगर आप देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ यहाँ कैरी फॉरवर्ड किया गया है, उसमें जो है आपको सिंपल सा ग्राफिक्स मिलता है, बस वहाँ पे है, टैंक पे आपको ग्राफिक्स नहीं मिल रहा है। तो ये एक यहाँ पे आपको डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। बाकी अगर आप यहाँ पे इंजन काउल देखते हैं तो इसके इंजन काउल में आपको ग्राफिक्स यहाँ पे मिल रहा है, और उसका जो इंजन काउल है उसमें भी आपको कंपनी ग्राफिक्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देती है। दोनों का इंजन यहाँ पे सेम है फ्रेंड्स, BS6 वाला। चेंजेस यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है, सेम 5-स्पीड गियर बॉक्स सेटअप के साथ बाइक जो है वो आ जाती है। बाकी अगर आप यहाँ बैक से लुक देखते हैं तो ये ओपन चेन सिस्टम के साथ आ रही है, ये भी यहाँ पे ओपन चेन सिस्टम के साथ ही आ जाती है। और सेंटर का जो पैनल है दोनों में सेम ग्राफिक्स आपको यहाँ पे मिलता है। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रेयर से लुक्स की, तो रेयर से आप यहाँ पे फ्रेंड्स दोनों का लुक जो है वो देख पा रहे हैं, कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे मिल जाता है। दोनों में ही यहाँ पे कंपनी आपको LED में जो है वो टेल लाइट्स ऑफर कर देती है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 220F की आपको बैजिंग जो है वो मिल जाएगी, यहाँ पर भी आपको 220F की बैजिंग मिल जाती है। बाकी रेयर का जो टायर है वो 120 सेक्शन का आपको यहाँ पे भी मिलता है, यहाँ पर भी कंपनी आपको 120 सेक्शन का ही सेम टायर्स आपको प्रोवाइड करती है ब्लॉक पैटर्न वाले। और बाकी साइड माउंटेड एग्जॉस्ट यहाँ पे भी आपको मिलता है, यहाँ पे भी कंपनी सेम आपको प्रोवाइड कर रही है। सीट्स दोनों में फ्रेंड्स आपको मिल जाता है स्प्लिट में, और टैंक पैड अगर आप देखते हैं तो दोनों में ही कंपनी यहाँ पे आपको सेम प्रोवाइड कर देती है। बाकी अगर मीटर कंसोल की बात करते हैं तो एनालॉग प्लस डिजिटल में आपको यहाँ पे भी मीटर कंसोल मिल रहा है, जो कि कुछ इस टाइप से यहाँ पे स्टार्ट होता है फुल स्वाइप मार के। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इसका भी जो मीटर कंसोल है वो यहाँ पे आपको सेम मिल जाता है। साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर वगैरह जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल शो कर देता है, ओडोमीटर शो करता है, RPM इंडिकेटर है, लो फ्यूल इंडिकेटर है, इंजन माल फंक्शन इंडिकेटर है, ABS का इंडिकेटर है। और सेम यहाँ पे क्लिप ऑन में हैंडल बार्स आपको पहले भी मिल रहा था फ्रेंड, जैसे वैसे ही अभी कंपनी आपको सेम प्रोवाइड करती है। इंजन किल स्विच, इलेक्ट्रिक स्टार्ट, हाई बीम, लो बीम, हॉर्न और यहाँ इंडिकेटर्स वगैरह आपको मिलता है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको सेटअप जो है वो देखने को मिलता है दोनों ही बाइक्स का। तो ये अभी आप लुक्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बाकी अगर इस साइड से आप देखते हैं तो दोनों में यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड वगैरह जो है वो सब मिल जाता है सेम एज इट इज़ पहले वाले मॉडल में और अभी वाले मॉडल में। यहाँ पे आपको डिफरेंसेस जो है वो कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो बस आज के इस वीडियो को फ्रेंड्स यहाँ पे हम एंड करते हैं। मैं होप करता हूँ आपकी सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गई होगी दोनों मॉडल्स के रिलेटेड में, जो भी आपकी डाउट्स थी। तो ज़्यादा जो है वो चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता है, बस यहाँ बेसिक चेंजेस ही आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। तो बस आज के इस वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।